हाय देयर, ये इकोनॉमिक्स की सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको इजी वर्डिंग के अंदर समझाया जा रहा है कि यूटिलिटी थ्योरी क्या है। सो यूटिलिटी थ्योरी को समझने के लिए पहले आप समझें कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी से मुराद लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है या फिर प्लेजर है जो कि एक शख्स हासिल करता है जब भी वो कंज्यूम करता है किसी भी एक प्रोडक्ट को या सर्विस को। सो जितना ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या फिर प्लेजर मिलेगा कंज्यूम करने से प्रोडक्ट या सर्विस को, उतनी ही ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। अब बात करते हैं यूटिलिटी थ्योरी की। सो यूटिलिटी थ्योरी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि डील करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो है वो डिसीजन लेते हैं कंजम्पशन के बारे में और स्पेंडिंग जो कि बेस्ड करता है उनकी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी के ऊपर, जो कि वो ड्राइव करते हैं डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज से। सो यूटिलिटी थ्योरी सजेस्ट करती है कि लोग जो है वो एलोकेट करते हैं उनके रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से कि मैक्सिमाइज करें उनकी ओवरऑल हैप्पीनेस या फिर वेलबींग। और ये थ्योरी जो है वो प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर, और प्ले करती है एक क्रूशियल रोल बहुत से इकोनॉमिक मॉडल्स के अंदर और एनालिसिस में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।